बांग्लादेश के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी बदलाव की तैयारी में है। पीटीआई के मुताबिक नए केंद्रीय अनुबंध से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सख्त फिटनेस टेस्ट देना होगा। ये रूल प्रेजेंट में अनुबंधित खिलाड़ी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू खिलाड़ियों पर लागू होगा। 6 से 8 सितंबर के बीच फिटनेस टेस्ट का आयोजन लाहौर में किया जाएगा। इस प्रक्रिया की निगरानी व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन, टीम के फिजियोथेरेपिस्ट और ट्रेनर करेंगे। इसके बाद सभी खिलाड़ी चैंपियंस कप के लिए फैसलाबाद रवाना होंगे। पीसीबी के एक सोर्स ने पीटीआई से कहा, फिटनेस टेस्ट ये तय होगा कि इस साल किन खिलाड़ियों को अनुबंध मिलेगा, वहीं उनके प्रदर्शन को भी प्राथमिकता दी जाएगी। दोनों विदेशी कोच कस्टन और जेसन ने सिलेक्टर्स और बोर्ड को स्पष्ट कर दिया है कि खिलाड़ियों के चयन के लिए उनका पहला क्राइटेरिया उनकी फिटनेस होगी। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-2 से हराकर इतिहास रचा है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों और बोर्ड को इस वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। सोर्स ने पीटीआई से आगे कहा कि गिलेस्पी बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में खेले गए टेस्ट मैचों में कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस से खुश नहीं थे और उनका मानना था कि खिलाड़ी टेस्ट मैचों के सभी सत्रों के दौरान अपनी तीव्रता और सहनशीलता बरकरार नहीं रख पा रहे थे। वहीं कस्टन ने भी सिलेक्शन और बोर्ड अधिकारियों से मुलाकात के दौरान कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा, फिटनेस टेस्ट में यह निर्धारित करने के लिए सब कुछ शामिल होगा कि खिलाड़ी कितना फिट है। जिम प्रशिक्षण, चयन शक्ति और दौड़, योयो और अन्य परीक्षण भी आयोजित किए जाएंगे। वर्तमान में पीसीबी ने लगभग 27 खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध दिए हैं। हालांकि अब माना जा रहा है कि पिछले एक साल से सभी प्रारूपों में राष्ट्रीय टीम के प्रदर्शन को देखते हुए इस बार यह संख्या कम हो सकती है। बाबर आजम पाकिस्तान में इन्हें क्रिकेट का किंग बुलाया जाता है, लेकिन इनके ये किंग पिछले कुछ समय से फ्लॉप नजर आ रहे हैं। बाबर आजम इज ऑन अ क्वेस्ट फॉर आंसर्स एंड पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को उम्मीद होगी कि उनके ये जो कंटेम्प्रेरी लेजेंड हैं उस ब्रिलियंस को फिर से हासिल कर सकते हैं जिसने उन्हें टेस्ट क्रिकेट में एक इम्पोजिंग फिगर बनाया है। एट द मोमेंट द 616-day ड्रॉ सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द फिकल नेचर ऑफ द गेम, हाईलाइटिंग दैट इवन द बेस्ट इन द बिजनेस कैन फॉल्टर। एक समय टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यूटी के साइन रहे बाबर आजम लंबे समय से मंदी में हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उनके हालिया प्रदर्शन, जहां वह 4 पारियों में हाफ सेंचुरी बनाने में अनसक्सेसफुल रहे, ने फैंस और एक्सपर्ट्स के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं। इतना ही नहीं, इस शानदार बल्लेबाज को टेस्ट क्रिकेट में आखिरी बार अर्धशतक बनाए हुए 616 दिन हो गए हैं, जिसने फैंस और एक्सपर्ट्स को समान रूप से हैरान कर दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में बाबर के स्कोर 0, 22, 31 और 11 थे, जो उनके लंबे स्ट्रगल को दिखाता है। बाबर खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं और उन्हें अर्धशतक लगाए 8 टेस्ट मैच हो गए हैं। उस समय उनका हाईएस्ट स्कोर पिछले साल मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 रन था। क्या बाबर आजम वापसी कर पाएंगे, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट की सीरीज।